हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के व्लॉग में मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। और जो मैं बनाने वाली हूँ, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर आलू बॉईल किए हुए लिए हैं और इसको पहले मैंने यहाँ पर मैश कर दिया था। मैश करने के बाद मैं ये लिया है मैंने यहाँ पर सोया, ये देखो। तो आज मैं सोया के आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। आप लोगों को सोया के पराठे कैसे लगते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ और मैंने ये खाई भी नहीं है कभी। तो फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं इसको खाऊंगी। अगर आप लोगों ने सोया के पराठे खाए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये कैसे लगते हैं। मुझे तो पता नहीं है कि ये कैसे लगते हैं, लेकिन बहुत मैंने सुना था और देखा भी था, तो सोचा क्यों ना मैं आज इसको ट्राई करूँ। क्योंकि कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हमने नहीं खाई हो। तो आज मैं इसको ट्राई करूंगी कैसी बनेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा या तो मैंने मतलब 250 ग्राम था, लेकिन मैंने सोचा क्यों पहले मैं थोड़ा सा ही इसमें यूज करती हूँ, क्योंकि अच्छे नहीं लगे तो वेस्ट जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही इसको कट किया है। साथ में मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, इसको मैंने कट करके रख दिया था। और आप लोग मुझे बताना कि ये दोनों चीजें जो है इसमें डालना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो अभी तो मैंने यहाँ पर ये दोनों चीजें काट ली है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हरी धनिया की पत्ती ली है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये दोनों चीजें ले ली है। और इसके साथ में मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च काटी है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको मिर्च लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर दो मिर्च ली है। एक्स्ट्रा मैंने मिर्च यहाँ पर नहीं यूज कर रही। तो मसाले में मैंने यहाँ पर ये ले रही हूँ दही मिर्च का पाउडर, चटपटा चाट मसाला, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसमें गरम मसाला ले रही हूँ और इसमें से मैं थोड़ी सी इसमें मसाले लूंगी। तो चलिए बनाना हम इसका भरता स्टार्ट करते हैं। बाजू को थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में काम करते ना अच्छा नहीं लगता जो नीचे आती रहती है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो हरी मिर्च काट के रखी थी तो वो मैं इसको इसमें डाल लेती हूँ। धनिया था, धनिया को भी मैं इसमें डाल दूंगी। सर्दियों का मौसम है, वैसे तो ये भरता बना के आप इसको मतलब 6 से 7 घंटे से भी ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि सर्दियों में भरता जो है वो नहीं होता। वो गर्मियां होती है तो गर्मियों में इसमें नमक वगैरह डाल देते, वो 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं चलता है, पतला हो जाता है उसको। तो मैंने यहाँ पर ये सोया ले रही हूँ और सोया को मैं इसमें डाल देती हूँ। चटपटा चाट मसाला, इसमें मैंने ये टेप लगा के थोड़ी सी रख दी थी, जिससे कि ना हवा वगैरह नहीं लगती है सर्दियों में, मतलब ये थोड़ा सा वैसा हो जाता है इसमें। ज्यादा तो नहीं, मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के आसपास इसमें चाट मसाला डाल दी। चाट मसाले से मतलब ये कि भरता जो बनेगा ना वो काफी इसमें टेस्ट आएगा। तो इसको मैं साइड रख देती हूँ। 1/2 टीस्पून के आसपास मैं इसमें आमचूर पाउडर लूंगी। हाफ टी स्पून के आसपास मैंने इसमें आमचूर पाउडर लिया है। कलर के लिए मैंने यहाँ पर ये देखी मिर्च ली है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो मिलके आएगा ना पराठे में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 1 टीस्पून के आसपास में पूरा डालूंगी। तो जो ये मसाले थे ये मैंने सारे डाल दिए हैं, इनको मैं साइड में रख देती हूँ। इसमें से 1 टीस्पून सॉल्ट में डाल रही हूँ, इसमें
हाफ टी स्पून और ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा जो आलू का भरता है वो थोड़ा ज़्यादा है। हाफ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर लूँगी, क्योंकि मेरा जो रेड चिली पाउडर वो थोड़ा सा तीखा है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून इसमें ले रही हूँ। वन टी स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ले रही हूँ इसमें। बस यही चीजें इसमें डाली हैं, बाकी का इसमें कुछ भी नहीं डाला। आप चाहो तो इसमें ऑनियन भी चॉप करके इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ इसमें। तो हम यहाँ पर इसको पहले से मिक्स कर लेते हैं, फिर हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू का जो भरता था वो बहुत ही ठंडा हो गया है, क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो भरता हमारा यहाँ पर मिल चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखो, तो जो हमने रेड कलर की मिर्च डाली थी उससे और हमारा जो सोया डाला था और हरा धनिया डाला था उसका जो कलर आ रहा है वो देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो लगता है मुझे कि जो पराठा है वो भी बहुत ही यम्मी होने वाला है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं और आप लोग भी इसको खाना और मुझे बताना कि आज जो बनाने वाली हूँ इसका पराठा वो आपको कैसा लगा। तो ये सारी चीजें मोथा के साइड में रख दूंगी और पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम तवा रख देते हैं और तवा रखने के बाद में जो आटा था वो मैंने पहले इसको लगा के रख दिया था। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कि हम आटा लगाते हैं ना, तो उसको भी सर्दियों में आप ज्यादातर गर्म पानी से, मतलब गुनगुना पानी से आटा लगाओगे तो अच्छे से सॉफ्ट होकर फूलता है। जो हमारी रोटी है, चपाती है, बनती है ना, बहुत ही व्हाइट कलर की आती है, बहुत ही अच्छी लगती है, सॉफ्ट रोटी बनती है, फूलती भी काफी अच्छे से। और पराठे के लिए हमेशा इसको, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे आपको ना थोड़ा सा इसमें लूज रखना है, जिससे कि जो हमारा पराठा है वो कभी फटेगा नहीं। इसको आप एक बार ट्राई जरूर करना कि जब भी आप आलू का पराठा बनाए या फिर कचौरी बनाए तो हमेशा आटे को थोड़ा सा नरम रखना। ये देखो जो मेरा आटा है वो कितना सॉफ्ट है, देखो। चलिए थोड़ा सा इसमें, तो मैंने यहाँ पर एक इलायची तोड़ ली है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर सूखा आटा ले रही हूँ। सूखे आटे में लगा के आप इसको अच्छे से बेल लीजिए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लोज होकर दिखाती हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पर ये छोटी सी एक लोई ली है और लोई को मैं थोड़ा सा इसमें बढ़ा लूंगी, जिसमें हमें इसमें आलू का भरता भरना है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जो साइड के कॉर्नर है ना उसको ही मैं पतला करती हूँ, क्योंकि अगर बीच में से पतला करोगे तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमें अभी इसको आलू में लगा के भरना है और जो करके फोल्ड करेंगे ना, तो इसमें अगर ये पतला रह जाएगा तो यहाँ से फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको इतना बड़ा इसमें कर लिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर इतनी सी यहाँ पर पिट्टी लूँगी इसके भरते की। तो इसको सेंटर में रख के बीच में आप इसको इस तरीके से यहाँ से फोल्ड कर दीजिए, ये देखिए। तो नीचे से हमारा मोटा है और जिसकी वजह से बिल्कुल भी फटेगा नहीं, और इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके बंद कर दीजिए। ये देखो कितनी अच्छी हमारी ये भरके बनी है। तो बस इस सूखे आटे से इसको डस्टिंग से कर लीजिए और हल्के बेलन से ही आप इसको बढ़ाना, जिससे कि हमारी ये बिल्कुल भी इसमें से फटेगी नहीं। ये देखो अंदर से जो ग्रीन ग्रीन उसमें सोया था और जो हरा धनिया था वो हमारा इसमें से दिखने लगा है, ये देखो। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फटा ना, ये देखिए। तो
तो मैंने जो बीच में से इसमें थोड़ा सा इसमें मोटा रखा था, ये देखो चारों तरफ हमारा जो भरता है, ऐसी कोई सी भी इसमें कॉर्नर नहीं है जिसमें हमारा भरता नहीं पहुंचा हो। देखो लग रहा है ना देखने में कितना अच्छा। तो चलिए हम इसको भी इसको सेक लेते हैं। तवा हमारा अच्छे से यहाँ पर गर्म हो चुका है, पराठे को अब इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे से हल्का सा इसमें सिक जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगी। तो हल्का सा यहाँ से ऊपर से सिक गया था, मैंने इसको पलट दिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ और इसको चारों तरफ से इसको अच्छे से मैं लगा देती हूँ, और लगाने के बाद मैं इसे पलट दूंगी। दोनों साइड से इसमें अच्छे से हमें घी लगा लेना है। चाहे तो आप इसमें मतलब कि देसी घी का भी यूज कर सकते हो और रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हो, बस वो भी नहीं है तो आप इसमें सिंपल जो हम सब्जी बनाते हैं उसका ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड से इसमें लगा दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पर जो गोल्डन कलर के चिट्टे आने हैं वो इसमें थोड़े से आ जाएंगे तो ना बहुत अच्छा हमारा पराठा लगेगा। बस साथ में मिलकर खाएंगे। प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो जिससे कि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको नहीं मिलता है, तो प्लीज बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करो जिससे कि मेरी जो भी नई न्यू वीडियो आती है मैं अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर इसका कलर चेंज होने लगा है, बहुत ही अच्छा देखने में अभी लग रहा है। थोड़ा सा और सीख जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा, और खाने में तो मुझे लगता है कि सच में ये जो इसका सोया का पराठा है यम्मी होने वाला है। तो चलो देखते हैं थोड़ा सा ये और सीख जाए। तो देखिए हमारा पराठा यहाँ पर सीख कर तैयार है, और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। चलिए खाना हम इसको स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ में। चलो परस लेती हूँ मैं अभी थोड़ा सा इसको। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये पराठा बनकर बिल्कुल एकदम तैयार है। ये देखिए कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए देके आती हूँ, और जो मेरे यहाँ पर एक और पराठा बन रहा है वो आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं अभी इसको भगवान जी के लिए भोग लगा के आती हूँ। मैं कोई भी चीज बनाती हूँ सबसे पहले तो मैं उसको ठाकुर जी के लिए रखती हूँ, कि जैसे हमारे मेरे जो दो बच्चे हैं उसी तरीके से मेरे यहाँ पर ठाकुर जी हैं। तो कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले मैं खाने की हो कोई भी चीज हो तो पहले मैं ठाकुर जी के लिए रखती हूँ, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं उसको। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि जो क्रिसमस डे पर जो केक काटी थी वो मेरे हस्बैंड जो ठाकुर जी के लिए रख के आए थे। तो हम सब लोग ठाकुर जी से बहुत प्यार करते हैं और हर चीज उनके लिए करते हैं। तो हमारा पराठा यहाँ पर बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सोया और हरे धनिये का पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए तो जो कलर है इसका वो भी आ रहा है, और इसमें जो मतलब जो हमारा बहुत ही अच्छा लुक मतलब बहुत यम्मी लगने वाला है। तो मैं इसको ओपन करके देखती हूँ जरा कि अंदर से कैसा दिखता है। काफी गर्म है ये भी, तो देखिए कैसा लग रहा है देखने में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आज मैंने ये सोया के और इसके आलू का पराठा जो फर्स्ट टाइम बनाया था, और देखने में भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसकी खुशबू है ना वो तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। आपको वो मिलता नहीं है तो वो आपको मिस हो जाती है, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आती है सजेशन में जो भी आती है या फिर कोई भी होती है तो वो वीडियो आपको मिल जाती है, लेकिन जो डायरेक्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है तो वो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना,
और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसको प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो प्लीज गाइस, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो सब्सक्राइबर, जो आपकी फैमिली यूट्यूब फैमिली है, वो तो मेरी कंप्लीट से भी ज्यादा है, लेकिन जो मेरा फर्स्ट टाइम है वो आप लोगों कंप्लीट करा दीजिए प्लीज जल्दी से। और मतलब थोड़ा सा मेरा वॉच टाइम रह गया है कंप्लीट होने में, जिससे कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, और उसमें अगर कोई भी कमी है वो मुझे बताइए, मैं उसको थोड़ा सा ये दूर करने की कोशिश करूंगी। और मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगती है वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आज की वीडियो में मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ में यही शेयर किया था कि जो सोया के पराठे किस तरीके से बनाने हैं, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट था काफी अच्छा आया था। तो चलिए आप लोगों के साथ में बहुत टेस्टी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।